हम बात कर रहे हैं इरडा की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो बड़ी गिरावट इरडा में देखने के लिए मिली। बड़ा फॉल 5% के ऊपर की गिरावट के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई। ऑलमोस्ट 430 के सपोर्ट से स्टॉक ने बाउंस बैक किया था। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था 250 के रेंज का ब्रेकआउट, और 250 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो 270 नेक्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि इसका रेजिस्टेंस रहेगा। 270 तक के टारगेट को हम डिस्कस कर चुके थे। इसका ब्रेकआउट करता है तो और अपसाइड दिखा सकता है, इस बात का डिस्कशन हमारा हुआ था। देख सकते हैं ऑलमोस्ट 270 तक का एक जंप आया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया था। ब्रेकआउट इम्पॉर्टेंट था और तेज़ी के लिए, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। रिजेक्शन के साथ अगेन गिरावट। फिर जो मेजर सपोर्ट बनने वाला था 250 का लेवल, जहां पहले स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा था, जिस रेंज को ब्रेकआउट किया था, उस सपोर्ट को भी नीचे की ओर ब्रेक डाउन करते नज़र आ रहा है। जहां क्लोजिंग दिखा गया 240 इमीडिएट सपोर्ट है, अपने सपोर्ट जोन पर ही स्टॉक ने हमको क्लोजिंग दिखाई हुई, लेकिन लगातार सेलिंग हमको देखने के लिए मिली इरडा में। तो यहाँ से अब और गिरावट आती है तो नीचे की ओर 230 का जो सपोर्ट है मेजर सपोर्ट रहेगा। जब तक इसके ऊपर है अपसाइड के चांस बने हुए। इस लेवल को ब्रेक डाउन कर गया तो 223 से लेकर 208 तक का भी फिर फॉल स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन हाईली चांस बनेंगे 230 और उसके आसपास से, 230 234 के लेवल से बाउंस बैक के। अब अगर यहाँ से जंप आता है तो वैसे कंडीशन में ऑलरेडी इससे पहले हम देख चुके 250 के लेवल पर स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा था, तो यहाँ तक का जंप दिखा सकता है, अपना पहला टारगेट भी रहेगा। और इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 260 और बाउंस बैक के साथ अगेन 270 तक का जंप दिखा सकता है। अब 270 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट कर गया तो वैसी कंडीशन में फिर 280 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है, और गिरावट आती है तो 234-230 के आसपास एक मौका बन सकता है। वैसे वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।